स्टॉक जो है हमारा 1 रुपए 16 पैसे के आसपास है, जिसके अंदर प्राइस अगर आप देखोगे तो प्रीवियस क्लोज से 4.5% की जो है तेजी के साथ आपको अप डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड इसके रिटर्न के मामले में बात करें तो कंपनी ने काफी शानदार नंबर्स दिखाए हैं। लाइक 5 डेज की बात करें तो आपको 20% के आसपास का रिटर्न देखने को मिलेगा। 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ के अंदर जो है स्टॉक ने 141% का रिटर्न दे दिया है। और इस स्टॉक को जो है मैं जब 50 पैसे से नीचे था तब से मैं सजेस्ट करता हुआ आ रहा हूँ। एंड इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी कई बार वीडियो बनाई है। एंड 6 मंथ का चार्ट देखोगे तो स्टॉक जो है 6 महीने के अंदर ही जो है 427% का जो है काफ़ी शानदार रिटर्न बनाकर दे दिया है। ठीक है, जब स्टॉक की वैल्यू जो है 25 पैसे के आसपास से बढ़नी चालू हुई थी तब मैंने कहा था स्टॉक के ऊपर नज़र बनाकर रखनी है लेकिन बाय नहीं करना है। एंड जैसे ही 43 पैसे के आसपास आया तो कंपनी ने जो है बायबैक अनाउंसमेंट कर दिया। ठीक है, एंड कंपनी के रिजल्ट की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छे खासे देखने को मिले। एंड सबसे बड़ी बात, आईटी सेक्टर की कंपनी है जिसके चलते अगर आप फ्यूचर वैल्यू की बात करें तो काफ़ी तेज़ी से जो है ग्रोथ इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा। बात करें इसके प्रोडक्ट्स की, इसके डिमांड की या फिर इसका जो कामकाज की, लगातार आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं फ्यूचर में जो है इसका नाम आपको लीडिंग बिजनेस के अंडर जो है आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। मात्र 1 रुपए 16 पैसे का शेयर है अभी जो मिल रहा है। आने वाले समय में जो है इसकी बहुत जल्द NSE के अंदर लिस्टिंग होने जा रही है, जिसके बाद से इसकी शेयर वैल्यू जो है आपको 10 गुना तेज़ी से जो है आपको और भी तेज़ी से भागती हुई दिखाई देने वाली है। इस स्टॉक का अगर आप मैक्सिमम चार्ट अगर आप ध्यान देंगे तो स्टॉक की लिस्टिंग जो है आपको करीब करीब जो है 60-70 पैसे के आसपास देखने को मिली थी। एंड करीब करीब 6 रुपये का स्टॉक का हाई देखने को मिलेगा। एंड स्टार्टिंग से जो है इसके अंदर काफ़ी अप्स एंड डाउन देखने को मिले हैं। एंड अभी इसका मोमेंटम देखोगे तो वापस से पॉजिटिव एंड अप डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दिया था, जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो एज अ शॉर्ट टर्म बेसिस की बात करें तो ये 6 रुपये अपने लाइफ टाइम हाई तक भी चला गया, तो आपको कम से कम भी जो है यहाँ से 600% का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। बट मैं आपको यही कहूँगा, अपना कैपिटल निकालने के बाद जो इसके अंदर कुछ हिस्सा जो है लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर छोड़ दें, काफ़ी बड़े रिटर्न जो आपको आने वाले समय में देखने को मिलने वाले हैं। सो अभी मैं जिस स्टॉक की बात कर रहा हूँ, BLS इन्फोटेक लिमिटेड कंपनी का नाम है और यह इंडियन इन्फोटेक की तेज़ी से जो है आपको भागता हुआ दिखाई देने वाला है और काफ़ी शानदार जो है आपको रिटर्न प्रोवाइड करता हुआ दिखाई देगा। सो इसके ऊपर आपको नज़र बनाकर रखनी है। बाकी बात करते हैं अगले स्टॉक की। सो गाइस, अगला स्टॉक जो है हमारा 2 रुपए 98 पैसे का है। एंड सबसे बड़ी बात, स्टॉक जो है अभी डाउन ट्रेडिंग में है, मतलब कि स्टॉक जो अपने सपोर्ट पर आ गया है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि गाइस अक्सर कोई ऐसा स्टॉक बताइए जिसके अंदर जो है हम अभी बाइंग ले सकें, ठीक है, जिसके अंदर खरीदा जा सके। तो बहुत अच्छे खासे लेवल पर मिल रहा है क्योंकि स्टॉक जो है ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट पर आ गया है। कल या परसों के बाद जो है कभी भी ये बाउंस बैक कर सकता है और काफ़ी तेज़ी से जो है ऊपर की तरफ भागता हुआ दिखाई दे सकता है। IT सेक्टर की कंपनी है ये भी, जिसकी फ्यूचर की डिमांड की बात करें तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाली है। एंड अगर आप इसके मैक्सिमम चार्ट के ऊपर नज़र डालते हैं तो अब 28% तक जो है स्टॉक गिर चुका है। मतलब अगर आप इसका ध्यान दोगे मैक्सिमम चार्ट के अंदर तो ये एक समय पे जो है 151-155 रुपये तक का जो है हाई लगाकर जो है स्टॉक गिरा है 2008 के अंदर। जब 2008 के अंदर जो क्रैशेस हुए थे, मार्केट क्रैश आया था, उसके साथ जो है स्टॉक काफ़ी बुरी तरीके से गिरा था। एंड आज तक जो आपको पेनी स्टॉक के रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन लास्ट 5 ईयर्स के चार्ट में देखोगे तो स्टॉक कई बार जो है तेज़ी से ऊपर ग्रो करने की कोशिश किया, लेकिन एंड ऑफ द एंड मूवमेंट वापस से डाउन आया है। एलॉयड स्टील इंडस्ट्रीज़ की तरह जो है इसका चार्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहाँ पर रेजिस्टेंस इसने 2 बार फेस किया है। बट जैसे ही स्टॉक के अंदर वापस से बाउंस बैक आता है, इस बार स्टॉक जो है काफ़ी तेज़ी से जो है ग्रो करने वाला है, काफ़ी अच्छे खासे लेवल पर मिल रहा है। और इसके टारगेट्स की बात करें तो कम से कम भी इसके टारगेट्स, अगर आप लंबे समय 5 से 10 साल का नज़रिया बनाते हो तो कम से कम भी जो है 700 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक जो है इसके टारगेट्स आप मानकर चल सकते हो। अभी अगर आप ध्यान दोगे तो स्टॉक के अंदर 5% का जो एकदम लोअर सर्किट देखने को मिलेगा। एंड 5 दिन से देखोगे या 1 मंथ के चार्ट में देखोगे तो स्टॉक लगभग 15-20 दिनों से जो है गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड करीब करीब अगर आप रिट्रेसमेंट की ही बात करो तो करीब 47-50% का जो है कंपनी रिट्रेसमेंट ले चुकी है। मतलब कि जितना रिटर्न दिया उसका आधा का जो है कंपनी ने बहुत बड़ा रिट्रेसमेंट ले लिया। एंड अभी क्या अपने सपोर्ट के आसपास जो है आती हुई दिखाई दे चुकी है, ठीक है। यहाँ से कभी भी जो है कल परसों के बाद जो है इसके अंदर बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। फाइनेंशियली कंपनी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, 1,18,00,000 का प्रॉफिट जो इसने लेटेस्ट क्वार्टर में किया है 130% के जंप के साथ, तो इसके ऊपर आपको नज़र बनाकर रखनी। क्रेन सॉफ्टवेयर इंटरनेशनल लिमिटेड की मैं अभी बात कर रहा हूँ, जो कि आने वाले समय में जो है काफ़ी बड़े मल्टीपैगर रिटर्न बनाकर देगी। Q3 के रिजल्ट के बाद जो है स्टॉक के अंदर जो है काफ़ी बड़ी तेज़ी से जो है जंप भी देखने को मिलने वाले हैं आपको, तो इसके अंदर बाइंग ले सकते हैं आप, नज़र बनाकर रख सकते हैं। बाकी बात करते हैं अगले स्टॉक की। सो गाइस, नेक्स्ट स्टॉक जो हमारे 2 रुपए 52 पैसे का है और ये वन ऑफ द मेरे फेवरेट लिस्ट में से एक है और जिसकी काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी, काफ़ी अच्छी खासी होल्डिंग जो है मैंने पर्सनली बाइंग कर रखी है, ठीक है।
एंड अगर आप ध्यान दोगे तो स्टॉक जो है डेली बेसिस पे जो आपको 5% के सर्किट में देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे देखोगे तो इसके अंदर बाय एंड सेल भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये आपको मार्केट डेप्थ के अंदर जो है अपर सर्किट देखने को मिल रहा है, लेकिन बीच बीच में जो है कई बार सेलिंग देखने को मिलती है। अगर आप प्लेटफॉर्म के ऊपर चेक करो, लाइक अगर 5 डेज के चार्ट में देखो, कल भी यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली है एंड आज के दिन भी सेलिंग देखने को मिली है। रेगुलर बेसिस पे इसके अंदर सेलिंग हो रही है एंड बाइंग भी देखने को मिल रही है एंड स्टॉक जो है काफ़ी तेजी से ग्रो कर रहा है। लास्ट 5 डेज की बात करें तो 21% का रिटर्न निकल कर आता है, 6 मंथ की बात करें तो 43% का रिटर्न एक बड़े रिट्रेसमेंट के बावजूद। ठीक है, एंड ये स्टॉक जब 50 पैसे के आसपास था तब मैंने कई बार सजेस्ट किया आपको बाय करने का, एंड मेरा जो इसका एवरेज प्राइस है वो करीब 91 पैसे का है। करीब मैंने इसके अंदर 4 बार बाइंग की है, 563% का रिटर्न जो है जब से मैंने सजेस्ट करना चालू किया अभी देख सकते हो देखने को मिल चुका है इसके अंदर। एंड अगर आप इसके मैक्सिमम चार्ट के ऊपर नजर डालते हैं तो एक समय पर स्टॉक जो है करीब 70 रुपये के आसपास जो है मैक्सिमम वैल्यू पर ट्रेड करता था एंड सेम जो है स्टॉक के अंदर आपको गिरावट देखने को मिली, लेकिन अगर आप यहाँ पे चार्ट देखते हैं तो काफ़ी अच्छे खासे लेवल से बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। क्योंकि कंपनी के अगर आप नंबर्स देखते हैं तो वापस से जो है कंपनी प्रॉफिट में कामकाज करती हुई दिखाई दे रही है। बाकी कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं थोड़े अप्स एंड डाउन्स में है, कम ज़्यादा होते रहते हैं, लेकिन लगातार जो है कंपनी आपको हर क्वार्टर में प्रॉफिट करती हुई दिखाई दे रही है। MDSE सेक्टर का जो है स्टॉक है जो कि आने वाले समय में जो है काफ़ी बड़े रिटर्न आपको बनाकर दे सकता है। सो अभी मैं जिस स्टॉक की बात कर रहा हूँ यामिनी इन्वेस्टमेंट कंपनी का लिमिटेड नाम है, जो कि ऑलरेडी काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न्स दे चुका है अपने प्रीवियस, अगर आप शॉर्ट टर्म बेसिस पे ही देखें, और आने वाले समय में जो है मात्र इसके अंदर 1 से लेकर 2 साल की होल्डिंग ले लेते हैं तो यहाँ से भी जो आपका पैसा कम से कम भी जो है 25 गुना जो है ये कर सकता है। बाकी इसके ऊपर नज़र बना कर रखिए, चलते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ। सो नेक्स्ट स्टॉक जो है हमारा 3.70% की तेज़ी के साथ जो है आपको NSE के अंदर भागता हुआ दिखाई दे रहा है, 5 पैसे की तेज़ी के साथ एंड लगातार स्टॉक के अंदर अपर सर्किट बना हुआ है। एंड इस स्टॉक को जो है जब 0.5 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा था तब से मैं सजेस्ट करता हुआ आ रहा हूँ। आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, आप समझ ही गए होंगे मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूँ। IT सेक्टर से बिलोंग करता है, जिसके अगर आप फाइनेंशियल देखेंगे तो अब धीरे धीरे जो है सुधार की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते इसके ड्यूज सारे क्लियर हुए हैं, डेप्ट क्लियर हुए हैं एंड सेबी गवर्नमेंट ने जो इसके ऊपर पाबंदियाँ लगा रखी थी वो सब जो है हटा दी गई हैं, जिसके चलते स्टॉक जो है लगातार पॉजिटिव परफॉर्म जो है करता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड सबसे बड़ी बात, इसी स्टॉक को जो है अगर आप BSE में बाय करते हैं तो ओनली 46 पैसे में जो है अवेलेबल हो जाएगा, जिसके अंदर रिटर्न्स काफ़ी अच्छे खासे हैं और ये अपने NSE के लेवल्स के तक भी चला गया तो आपको रिटर्न कहाँ तक मिलने वाले हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है, सो अभी इसके अंदर गिरावट के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब इसके अंदर अगर आपने बाइंग ले ली तो नुकसान आपका बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि NSE के अंदर जो है यहाँ से कम भी जो है 3 गुना प्राइस पे जो है वहाँ पर मिल रहा है एंड लगातार अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। और सोच सकते हो आप कि BSE में तो फिर गिरावट के कोई चांसेस है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो और भी ज़्यादा सस्ते में देखने को मिल रहा है। सो गाइस, मैं बात कर रहा हूँ अभी MPS इंफोटेक्निक्स लिमिटेड की, जिसकी डिमांड जो है लगातार आपको क्वार्टर टू क्वार्टर छोड़ो हर डे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और जिस हिसाब से कंपनी ने अपने सारे डेब्ट्स क्लियर किए हैं अचानक ही जितना पैसा आया है कंपनी के पास, कहीं ना कहीं आप इसके बिजनेस में काफ़ी बड़ा ग्रोथ जो है मान सकते हैं। एंड सेबी गवर्नमेंट ने जितने इसको इनाम दिए हैं इस 1 मंथ के अंदर, मतलब रेगुलर बेसिस पे ट्रेडिंग करना एंड नेक्स्ट जो है आपको 1 ईयर के जो है इसने पेनल्टी जो ड्यूज है वो एडवांस में ही जो है क्लियर कर दिए हैं, तो मतलब कि आने वाले समय में जो है स्टॉक काफ़ी तेज़ी से जो है परफॉर्म करने वाला है, तो इसके अंदर आपका बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट हो किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। बाकी इनके ऊपर आप डीप स्टडी जरूर कीजिएगा, और बाकी चैनल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल के ऊपर पहली बार विजिट किया हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू गाइस। एंड आपके किसी पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड कोई अदर क्वेश्चन हो तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका भी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा।